अस्सलाम अलैकुम इजहान बेटा। वालेकुम सलाम बाबा जान। इजहान बेटा, मुझे बताओ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में नमाज के बारे में क्या फरमाता है? बाबा जान, अल्लाह ताला कुरान मजीद में नमाज के बारे में फरमाता है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। बेटा इजहान, मुझे बताओ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में दोज़ख के बारे में क्या फरमाता है? बाबा जान, अल्लाह ताला कुरान मजीद में दोज़ख के बारे में फरमाता है कि जो भी बदी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दोज़खी है और दोज़ख ही में वो हमेशा रहेगा। बेटा इजहान, मुझे बताओ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में जन्नत के बारे में क्या फरमाता है? बाबा जान, अल्लाह ताला कुरान मजीद में जन्नत के बारे में फरमाता है और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। इजहान बेटा, मुझे बताओ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जात के बारे में क्या जिक्र है? बाबा जान, कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जात के बारे में जिक्र है कि क्या तुम्हें खबर नहीं है कि जमीन और आसमान की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबर गिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। इजहान बेटा, मुझे बताओ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में नमाज के बारे में क्या फरमाता है? बाबा जान, अल्लाह ताला कुरान मजीद में नमाज के बारे में फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आकबत के लिए जो भलाई कमाकर आगे भेजोगे अल्लाह के हाँ उसे मौजूद पाओगे, जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। थैंक यू इजहान बेटा। वेलकम बाबा जान।